तो स्वागत है गाइस आप सभी का सेशन नंबर 6 में। आई एम सो सॉरी, काफी टाइम हो गया सेशन नंबर 5 के बाद सेशन नंबर 6 डालने में, लेकिन मैं काफी बिजी था तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले कॉन कॉल्स की, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में कोई डायरेक्टली हमें नहीं सिखा था कि कॉन कॉल्स क्या होती है, कैसे करते हैं कॉन कॉल्स का एनालिसिस, और हमें क्या क्या चीजें हमें कॉन कॉल्स में देखनी चाहिए, राइट। तो आज हम वही समझेंगे कि कॉन कॉल्स क्या होती है, क्यों होती है। लेकिन उससे पहले वंस अगेन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अभी तक अगर मुझे आपने फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है मेंटरशिप में, उसमें मैं इन सारे लेसन के नोट्स भी शेयर करता हूँ, पीपीटीज भी शेयर करता हूँ, और काफी सारे रिसोर्सेज है जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वंस अगेन गाइस, अगर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो काइंडली काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस ग्रुप का पार्ट बनिए और मेरे को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजिए। पीयूष कुमार के नाम से मेरा प्रोफाइल है, आप सभी ने देखा ही होगा, राइट। तो मैं वैल्यूएशन के ऊपर, इक्विटी रिसर्च पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस पे वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। सो वंस अगेन फोक्स, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली ये मेंटरशिप लेते रहें, आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है देन काइंडली प्लीज डू इट, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कब का वीडियो डाल रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती है, उनका एनालिसिस कैसे होता है, और अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस सीरीज की पहली वीडियो देखें, उसके बाद आप सारा प्रोग्रेस करिएगा। तो सबसे पहले हम कॉन कॉल्स की बात करते हैं कि कॉन कॉल्स होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन कॉल्स होती क्या है। मैं पहले आपको पूरा डेफिनेशन दे दूँ कॉन कॉल्स का, ये क्या होती है, क्यों होती है, और ये हमें एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। देखिए, हर क्वार्टर, हर 3 महीने बाद जो जो मैनेजमेंट होती है वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। जैसे सभी को पता है कि हर 3 महीने बाद साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, राइट। सो कानून उन्हें क्या बोलता है कि ये जो रिजल्ट्स हैं आपको पब्लिश करने हैं पब्लिक डोमेन में, कि विदाउट पब्लिशिंग द रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर यू कैन नॉट रिमेन अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। सो इफ यू आर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, सबसे पहले तो आपको यही है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करने पड़ेंगे जनता के साथ, ताकि उनको ये देखे कि आपने पिछले 3 महीने में कितने रिजल्ट कैसे रहे हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। नाउ अब मैनेजमेंट के ऊपर ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिर्फ उन्हें रिजल्ट्स अपडेट करने के अलावा भी अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करना पड़ता है। दे नीड टू डिस्कस द रिजल्ट्स विद द फाइनेंशियल एनालिस्ट। अभी फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे जो आप बनना चाहते हो, राइट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इनके साथ इनको अपने रिजल्ट डिस्कस करने होते, राइट। मान लीजिए आपकी, अब जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, पीटीएम होती थी ना, कि आपके रिजल्ट टीचर आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते कि आपके बच्चे ने ये करा, ये थोड़ा पीछे चल रहा है, ये थोड़ा आगे चल रहा है, इस चीज में काम करना पड़ेगा। वैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स मैनेजमेंट डिस्कस करती है फाइनेंशियल एनालिस्ट पे, और एनालिस्ट कंपनी से सवाल करते हैं कि सर अगर रिजल्ट्स आए हैं ऐसे तो क्यों आए हैं, और ये कौन से एनालिस्ट होते हैं, बाय साइड और सेल साइड। तो एक बात हमेशा याद रखना, इट्स लाइक अ पीटीएम, कि पीटीएम चल रही है रिजल्ट की जो कंपनी अपने एनालिस्ट के साथ डिस्कस कर रही है। सो दिस इज लाइक अ पीटीएम ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। साल में 4 3 महीने क्वार्टर, 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, 4 बार रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली। सो ये 4 कॉन कॉल्स हर साल की आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। मैनेजमेंट शोज एंड डिस्कसेस विद द एनालिस्ट व्हाट आर द रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स क्या हैं और उनको उन्होंने कैसे अचीव करा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कि पूरी आपकी पीटीएम वाली स्केड्यूल यहाँ पे चलती है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, कोई भी डाउट हो नीचे मुझसे पूछ लेगा, राइट। तो दिस वॉज द एंटायर थिंग अबाउट कॉन कॉल्स, की कॉन कॉल्स क्यों होती है। इसलिए होती है कि वो रिजल्ट डिस्कस करना चाहते हैं एनालिस्ट के साथ, और एनालिस्ट चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले, उनको इनसाइट्स मिले बिजनेस के बारे में। नाउ एज एन एनालिस्ट, मान लीजिए अगर आप एक एनालिस्ट हो, नए नए एनालिस्ट लगे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग, कि अगर मैनेजमेंट बिजनेस को चला रही है डे टू डे बेसिस पे, सो यू नीड टू मेक श्योर कि मैनेजमेंट जो है वो ढंग से चला रही है, राइट। कि एज एन एनालिस्ट आपकी ड्यूटी है कि यू आर अ फिड्यूशरी, राइट। फिड्यूशरी, आप औरों का पैसा मैनेज कर रहे हो, आप औरों की इन्वेस्टमेंट संभाल रहे हो। सो नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि जो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, कि मान लीजिए आपने अगर आज आईटीसी में किया, राइट, ये वंस अगेन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट की है किसी और की, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आईटीसी की मैनेजमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट। सो लुक फॉर दी फॉलोइंग, क्या क्या हमें देखना है। सबसे पहले मैनेजमेंट टोन, कि मैनेजमेंट किस टोन में बात कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, माइंडसेट कैसा है, राइट। फ्यूचर प्लान, कंपनी क्या फ्यूचर में प्लान कर रही है, राइट, क्या केपेक्स प्लान आने वाले हैं, उनका क्या क्या माइंडसेट लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, केपेक्स प्लान क्या है, कि कहाँ पे कंपनी अपने प्लांट कमीशन कर रही है, कोई एक्विजिशन तो नहीं होने वाला, राइट। गाइडेंस फॉर द फ्यूचर, राइट,
कि मार्जिन क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, ग्रोथ रेट किस कंपनी पे ग्रो करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट को अंदरूनी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि हाँ बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस वी कैन हैव सच एंड सच अ ग्रोथ एंड सच एंड सच अ मार्जिन, रीजंस फॉर द करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आपको बहुत मैटर करता है राइट। क्योंकि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनालाइज कर रहे हो उसमें आपको पता होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ इज द मेन इंपॉर्टेंट राइट। सो ये जाना कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी है किसी बिजनेस की, ये आपको पता लग जाएगा कि जो रिजल्ट्स हैं अगर जो अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई है किसी क्वार्टर में राइट। जैसे वरुण बेवरेजेस के हम कौन कौन देखेंगे, तो वरुण बेवरेजेस के केस में आपको देखना पड़ेगा कि जो रीजन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का वो क्या है, कि वो वॉल्यूम ग्रोथ से आई है या फिर इन्फ्लेशन से आई है राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परफॉर्मेंस का। अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री डायनामिक्स राइट, आपको इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेगी कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बाकी कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, एंड एवरी थिंग दैट यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट। सो एक काम करते हैं हम सीधा असली कंपनी की एनुअल उसमें कॉन कॉल में चलते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर, और इन सबसे बढ़ के भी आपको हर चीज देखनी है जो कि आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है राइट। सो लेट्स गो इन टू द रियल ऑलराइट गाइस। सो सबसे पहले मैं स्क्रीनर में आ गया हूँ, यहाँ पे ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च का अकाउंट है ये राइट। तो वंस अगेन मेरे पास कोई पेड वर्जन नहीं है, मैं फ्री वर्जन यूज करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पे आप देख सकते कॉन कॉल, ये लिखा कॉन कॉल यहाँ पे। सो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। एनुअल रिपोर्ट हम कवर कर चुके हैं राइट, क्रेडिट रेटिंग्स हम कवर कर चुके हैं। ये अनाउंसमेंट क्या होती है, कंपनी कोई भी अगर मेजर अनाउंसमेंट करती है राइट, और ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, शायद उसी का है ये। और इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस कर रही है, क्योंकि वरुण बेवरेज का जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर है इनका जनवरी से शुरू होता है, तो इंटरिम डिविडेंड कंसिडर कर रही है, और 6 मंथ्स के रिजल्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मई 2023 तक, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च और मार्च के रिजल्ट, मार्च तक के रिजल्ट देंगे, अप्रैल मई में आते, तो उसकी ये कॉन कॉल है राइट। तो चलिए इनकी कॉन कॉल पढ़ते हैं अब। अब मैं आपको सिखाऊंगी कॉन कॉल पढ़ते कैसे। अब कॉन कॉल के भी तीन पार्ट है। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट वो होता है कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो वार्तालाप है राइट, उनका पूरा कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट का मॉडरेटर, मॉडरेटर सिंपल से वो होता है जो बीच में बीच का बिच्छू होता है, ही इज मॉडरेटिंग द कॉल राइट। और हमारे साथ देखिए कौन कौन है, यहाँ पे अनुप पुजारी जी बोल रहे हैं कि वी हैव विद अस रवि जयपुरिया। हमेशा मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के बंदे इस कॉन कॉल में मौजूद होंगे। चेयरमैन ऑफ द कंपनी मिस्टर रवि जयपुरिया, वरुण जयपुरिया जी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और होल टाइम डायरेक्टर है वो कंपनी के। राज गांधी जी भी मौजूद है ग्रुप के सीएफओ। सो हमेशा देखना सीईओ, आपका सीएफओ, ये सारे मौजूद होंगे राइट। हमेशा ये लोग जरूर मौजूद होंगे कॉन कॉल में। सो वी नीड टू मेक श्योर कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट आए गए हैं कॉन कॉल में राइट। तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। वी विल इनिशिएट द शो, बेसिकली यहाँ पे आधी ज्यादा चीजें आपको देखनी है कि आपको सबसे पहले देखना, पूरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड बाय वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर देखना जो आपको लगे कि हाँ ये काम की है राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे गुड आफ्टरनून, थैंक यू, ठीक है ठीक है, ये ओपनिंग रिमार्क्स है। मूव ऑन टू आवर एक्सपेंशन प्लान, ये देखिए मैंने यहाँ पे बोला था ना आपको कि कंपनी की केपेक्स प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, और यहाँ पे हमें पहली बार में केपेक्स प्लान मिल गया। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मूविंग ऑन टू आवर एक्सपेंशन प्लान, ठीक है एक्सपेंशन प्लान ये रहा। वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट द कमिशनिंग, नया प्लांट कमीशन किया है ऑफ आर ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब इसको समझना, ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या होती है, कि आपने पूरा बिल्कुल स्क्रैच से एक नया प्लांट बनाया है राइट। ब्राउन फील्ड होती है और ग्रीन फील्ड होती है। ब्राउन फील्ड क्या होती है, आपका बना बनाया है, उसी में आपने दोबारा कंस्ट्रक्शन करी, और ग्रीन फील्ड में आपने होता है शायद आपने पूरा स्क्रैच से बनाया। डिस्ट्रिक्ट बूंदी राजस्थान एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ऑफ 6 फैसिलिटीज, की 6 फैसिलिटी की उन्होंने ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करी, की कैपेसिटी अगर एक्स थी इन्होंने 1 x² कर दी, बेसिकली कि एक्स को हमने बढ़ा के 1 x² कर दी। बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि बनी बनाई चीज पर दोबारा चीजें बना रहे हो, और ग्रीन फील्ड में आप पूरा स्क्रैच से अपना काम बिल्ड करते हो, 0 to 1 जाते हो ग्रीन फील्ड में, और यहाँ से हम एक्स से एक्स पॉइंट समथिंग जाते हैं। एडिशनल ग्रीन फील्ड प्लांट इन जबलपुर एमपी इज एक्सपेक्टेड, नया प्लांट लगाए जबलपुर एमपी में, और वो कब तक ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशनल वेरी सून, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल ग्रोथ प्लान कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि कंपनी के इंटरनेशनल ग्रोथ प्लान्स भी है राइट। तो यहाँ पे देखिए मुझे 2 पॉइंट तो पहले ही मिल गए कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स काफी अच्छे हैं,
इंटरनेशनल में भी कंपनी और ज्यादा ग्रोथ में फोकस करेगी, क्योंकि वरुण बेवरेजेस श्रीलंका में, नेपाल में भी ऑपरेट करती है एज अ फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको, राइट। सो 2 पॉइंट तो मुझे ही मिल गए, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक प्रोडक्ट शेयर इन ओवरऑल मिक्स एंड सडन। सो एनर्जी ड्रिंक, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक कौन सी होती है आपकी सिंपल से, गैटोरेट वगैरह, स्टिंग वगैरह, ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और इसमें कंपनी के पास लीडरशिप पोजीशन है। सो यहाँ पे मुझको एक पॉइंट और मिल गया, आर फोकस, यहाँ पे कंपनी का फोकस क्या है, नाउ टर्न्स टुवर्ड न्यू परफॉर्मेंस लाइक वैल्यू एडेड डेयरी स्पोर्ट्स ड्रिंक जूस सेगमेंट्स टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम। अब यहाँ देखिए कि कंपनी को ऑलरेडी ग्रोथ मोमेंटम मिल रही है, राइट, लेकिन अब कंपनी चाह रही है कि इस ग्रोथ मोमेंटम को आगे ले जाना किससे, डेयरी प्रोडक्ट से, स्पोर्ट्स ड्रिंक से और जूस सेगमेंट से, इस मोमेंटम को बनाए रखना है, राइट। दीज प्रोडक्ट कंटिन्यू टू बी वेल रिसीव बाय कंज्यूमर, की डिमांड अच्छी आ रही है कस्टमर से, की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, अब इस मोमेंटम को उन्हें बनाए रखना है। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट दिस पैराग्राफ। देखिए मुझको 2 पॉइंट तो ही मिल गए, ये देखिए जैसा मैंने पीपीटी में आपको ऑलरेडी बताया था, और ऐसा नहीं है कि मैं ये वाली इस कंपनी में देखना मेरा निवेश नहीं है, मैं वरुण बेवरेज का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी के केस स्टडी में वापस बार बार करता रहता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट, यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की टोन पता लग रही है, राइट, कि मैनेजमेंट किस उससे एक्ट कर रही है, फ्यूचर प्लान्स बता दिए, केपेक्स प्लान बता दिए, अब हम गाइडेंस वगैरह देखेंगे, राइट। तो ये सब चीजें देखने वाले बहुत जरूरी है एज एन एनालिस्ट। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। वंस अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर शेयर नहीं कर रहे प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और इस चीज को आगे तक पहुंचाओ, ठीक है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी प्रोफेशनल फाइनल डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज, राइट, ये 2022 का डिविडेंड है, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, टेकिंग द टोटल डिविडेंड पे अफोर्ड ईयर 3.5। तो फाइनल डिविडेंड 1.5 था, जो इंटरिम था वो 2.5 था, राइट। सिंपल सा मैथ है कि अगर फाइनल डिविडेंड 3.5 का है, और सॉरी टोटल डिविडेंड 3.5 और जो फाइनल डिविडेंड है वो 3 1 पर शेयर, तो इंटरिम था 1.5, ठीक है। फर्दर मोर द बोर्ड रिकमेंड स्प्लिट ऑफ एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर, स्प्लिट इक्विटी शेयर को स्प्लिट करने का मतलब मैं आगे एफएसए में बताऊंगा, अभी इसको जाने दीजिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डिविडेंड के बारे में पता लगा और कंपनी स्प्लिट कर रही है शेयर में 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो इसके बारे में ठीक है, ये आपका ESG का आ गया, ESG इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इन्होंने मिस्टर गांधी को दे दिया है ऑपरेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, ठीक है, राज गांधी जी जो कंपनी के चेयरमैन है। राज गांधी जी कौन, राज गांधी जी CFO है, राइट, ग्रुप के CFO, अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझाएंगे हमें, कंपनी ने कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म किया ओवर द ईयर्स, राइट। बिफोर वी स्टार्ट विद अपडेट ऑन क्वार्टरली परफॉर्मेंस शेयर दैट ओवर द लास्ट 5 ईयर, ठीक है, पिछले 5 साल में कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ हैज ग्रोन एट केगर ऑफ 24% इन 5 ईयर, ठीक है। पिछले 5 साल में जो सेल्स वॉल्यूम का केगर रहा है वो 24% है, विच इज अ वंडरफुल नंबर फॉर एनी FMCG कंपनी। कंपनी नेट रेवेन्यू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट केगर ऑफ 26.7% इन द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल में जो रेवेन्यू केगर रहा है वो 26% रहा है, जो कि एक वंडरफुल नंबर है, ये देखते हुए कि COVID-19 भी अभी कुछ साल पहले ही खत्म हुआ है। कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी रिमार्केबल इबिडा एंड पैट। इबिडा क्या होता है, पैट क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा, इबिडा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो यार, बस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। एट अ 5 ईयर केगर, केगर क्या होता है वो भी समझाऊंगा, कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। केगर मान लीजिए आपका टाइम 0, राइट, और टाइम 5, राइट, यहाँ से लेके देखिए पूरी जो टाइमलाइन है ना, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक नंबर आया है इसके बीच का जो एवरेज ग्रोथ रेट है, राइट, कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, उसको हम केगर बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, बट मेक श्योर कि आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं 35% की दर से ईबिटडा बढ़ा है, 50% की दर से आपका पैट बढ़ा है, राइट। नाउ लेट मी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। अब ये ईयरली परफॉर्मेंस थी, राइट, ईयर की, अब ये क्वार्टर की परफॉर्मेंस मुझे बताएंगे, राइट। सिंपल सा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू बाई 37.7% ईयर ऑन ईयर इन Q1 कैलेंडर ईयर 2023 टू 38,929 मिलियन बाय रॉबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे परसेंटेज पता लगेगा कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ईयर ओवर ईयर, और वॉल्यूम ग्रोथ के बेस पर ऑन ड्रिवन बाय रॉबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ। सो मैंने आपको बताया था कि आपको ये जानना है कि यहाँ पे जैसा मैंने आपको PPT में समझाया था कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई है तो वो क्यों हुई, जैसा मैंने यहाँ पे था रीजन फॉर दी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। सो हमें ये रीजन पता लग गया कि वरुण बेवरेजेस वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर ज्यादा खेल रही है, राइट, वॉल्यूम, राइट, एंड सो सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, मैं माउस से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टाइलस खराब हो, मैं लाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए।
सेल्स वॉल्यूम ग्रो बाय 24.7, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 24.7% है, टोटल लेवल ऑफ 224 मिलियन केसेस इन क्वार्टर वन, 224 मिलियन केसेस ऑफ पेप्सी वगैरह इनके बिके हैं एज कम्पेयर टू 179 मिलियन इन क्वार्टर वन। सो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 179 मिलियन केसेस बिके, इस साल 224 मिलियन केसेस बिके, सो विच इज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। नेट रियलाइजेशन पर केस इंप्रूव बाय 10.4%, जो नेट रियलाइजेशन की हर केस पे कितनी रियलाइजेशन मिली है वो 10% है, और ये डीप में जाने के लिए हमें एनुअल रिपोर्ट इनकी खोजनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज द रीजन फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं, ठीक है, CSD 71.2, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसा हमें याद किया आपने, मैंने एनुअल रिपोर्ट में दिखाया था कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स इनका 71.2% इनका रेवेन्यू ग्रोथ करता है, जूस इनका 7.4% है, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आप सभी ने और मैंने सबने पिया है इनका पानी, एक्वाफिना इन्हीं का ब्रांड है, राइट। टोटल सेल्स वॉल्यूम ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर ग्रोस मार्जिन इंप्रूव बाय 89 बेसिस पॉइंट, 89 बेसिस पॉइंट कितना होता है, 0.89%, 1 बेसिस पॉइंट इक्वल 0.01%, सो 89 बेसिस पॉइंट आपका 0.89% हो गया, राइट, टू द लेवल ऑफ 52.4%। सो अगर आप इनका वो देखोगे कि इनका ग्रॉस मार्जिन कितना है, राइट, एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको टिकर पे ले चलता हूँ, राइट। यहाँ पे आप जाओगे आपको शायद ग्रॉस मार्जिन ना मिले, रेशियो में देखते हैं ग्रॉस मार्जिन है यहाँ पे, नहीं, उल्टी करते हैं एक बार। सो ये तो पेड टूल है, ये शायद आपके पास ना हो, लेकिन मैं आपको टिकर पे डिटेल में दिखाता हूँ कि ग्रॉस मार्जिन के कैसे हैं ओवर द इयर्स। सिंपल से यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे मेरे को पूरी दुनिया का डेटा है मेरे पास, ये एक्चुअली में ये हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट है, जब आप प्रोग्राम का पार्ट बनते हो तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है, उसके साथ इंक्लूड होगा। तो हम यहाँ पे वरुण बेवरेजेस लिस्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन मुझे बता रहे हैं ये 52%, राइट, 52.6% का ग्रॉस मार्जिन है ओवर द ईयर, यहाँ पे इनका ग्रॉस मार्जिन का आप ग्राफ देख सकते हो, और वहीं पे अगर मैं रेवेन्यू ग्राफ देखूँ और ग्रॉस प्रॉफिट देखूँ, ग्रॉस प्रॉफिट चेक करा, तो एज यू कैन सी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है रेवेन्यू के साथ, और जो मार्जिन है वो थोड़े से डाउन हुए हैं, 57% से 52 के लेवल पे आ गए हैं, विच इज स्टिल ओके ओके इन माई ओपिनियन की 50% का ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि अगर मैं इनका इसका मीडियन निकालूँ वही समवेयर अराउंड 50% ही आएगा, विच इज अ गुड साइन। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो ग्रॉस मार्जिन है वो उसमें वृद्धि हुई है 89 बेसिस पॉइंट की, सो दिस इज द मेन थिंग। कैसे ड्रिवन, कैसे कैसे निकला, ड्रिवन बाय मार्जिनल सेविंग्स एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। सो दिस वॉज द थिंग अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ अब मैं पूरी कॉन कॉल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी को पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर शुरू हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो डिस्कस करती है किससे, एनालिस्ट से, बाय साइड और सेल साइड एनालिस्ट। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक सेल साइड एनालिस्ट कैसे क्वेश्चनिंग करता है, सो इस वाले पार्ट में ध्यान देना कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं मैनेजमेंट को, और किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आप भी, राइट, जब आप सेल साइड या बाय साइड एनालिस्ट बनोगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए इससे क्वेश्चन आ रहा है, CLSA इंडिया, ठीक है, चिराग शाह फ्रॉम CLSA इंडिया, मिस्टर जयपुरी और मिसेस स्पोर्टिंग वैल्यूएटेड फूड फ्यूजर लेंस लैग ओवर, वो आगे का मार्क। तो देखिए चिराग सर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज एन एनालिस्ट एट CLSA इंडिया, हाउ वी आर पोजीशन टू प्रोटेक्ट अवर मार्केट शेयर इन द एनर्जी ड्रिंक्स, राइट, कि मार्केट शेयर हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब रवि जयपुरी जी इसके एग्जाम जवाब दे रहे हैं कि वी आर कंस्ट्रेन बाय द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ब्रॉड ट्रॉपिकाना जूसेस एज वेल एज वैल्यू एडेड डेयरी, वी आर पुटिंग अप टू प्लांट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वी आर कंस्ट्रेन बाय द प्रोडक्शन कैपेसिटीज, कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज कम है ट्रॉपिकाना के लिए भी और वैल्यू एड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी, उसके लिए हम दो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, विच आर ट्रॉपिकाना एज वेल एज वैल्यू एडेड, विच इज गोइंग टू बी इन महाराष्ट्र एंड यूपी, की ट्रॉपिकाना जूसेज जो आप पीते हो, राइट, पैकेज ड्रिंकिंग जूस है, राइट, तो इससे हमारी इंक्रीज आर केपेबिलिटी ओवर द नेक्स्ट ईयर की, इससे हमारी प्रोडक्शन केपेबिलिटी इंप्रूव करेगी और इससे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अब इन्होंने दोबारा क्वेश्चन पुट अप किया, वेन यू से वैल्यू एडेड डेयरी आर वी लुकिंग टू फर्दर एक्सपैंड अवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन द डेयरी और प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई द नेशनल रोल आउट, कि हम अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाए और बढ़ा रहे हैं, जब आप वैल्यू एडेड डेयरी के बारे में बात कर रहे हो, वी हैव इनअ प्रोडक्ट बट नाउ सिंस वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी वी हैव नॉट लुक एट एक्सपैंडिंग इट। सो देखिए मुझे इससे क्या पता लग रहा है कि रवि जयपुरिया जी बोल रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, अगर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, वरुण जी बोल रहे हैं, रवि जी बोल रहे हैं कि हम 5 में ही खुश है लेकिन हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, राइट, सो दिस इज द थिंग। चिराग शाह ने दोबारा क्वेश्चन करा, एनजीओ यूनियन
इमर्जिंग कॉम्पिटिटर राइट। एज यू ऑल नो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कैंपा कोला लेके आ रहे हैं राइट। कैंपा कोला रोल आउट हो जाएगा इंडिया में। आर वी लुकिंग ऑन लुकिंग टाइप विद बॉर्डरलेस बैरेजिंग पार्टनर्स कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, स्पेशली लुकिंग एट द कैंपा कोला की कैंपा कोला के मद्देनजर रखते हुए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है राइट। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। इट्स अ बिग मार्केट, वी ऑलरेडी हैव स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ बी ब्रांड्स बिफोर, सो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन। द मार्केट इज गोइंग टू बी ग्रो, देयर विल बी मोर पीपल कमिंग इन, कैंपा एंड रिलायंस विल बी अ फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिशन। वी थिंक द इंडियन मार्केट सो लार्ज, वी आर स्टिल स्क्रैचिंग सरफेस, सो देर इज इनफ रूम फॉर एवरीबॉडी। सो यहाँ पे रवि जी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक तरीके से कैंसिल आउट ही कर दिया कि भाई इतना बड़ा मार्केट है कि वी कैन को एग्जिस्ट, कि अगर कैंपा और रिलायंस आते भी हैं और आएंगे ही आएंगे राइट, क्योंकि रिलायंस जो है वो हर चीज में कॉम्पीट कर रहा है। रवि जी जब बोल रहे हैं कि सर अगर कैंपा और रिलायंस आ भी रहे हैं तो वी विल मेक श्योर कि इतना बड़ा मार्केट है कि हम सब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं राइट। सो दिस वॉज द एंटायर थिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन राइट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चिराग शाह ने दोबारा क्वेश्चन करा, काफी ज्यादा क्वेश्चन मिल गए। चिराग शाह को वर्ड वॉज नेट डेट एंड एनी केपेक्स फॉर दी ईयर, ठीक है गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे केपेक्स की, विच वॉज अराउंड 1500 करोड़ आउट ऑफ विच मेजर पोर्शन इज ऑलरेडी स्पेंट राइट। पिछले साल इन्होंने गाइडेंस दी होगी 1500 करोड़ की राइट, रिजल्टेड इन अ डेट लेवल ऑफ 4000 करोड़ राइट। सो इन्होंने जो केपेक्स किया वो किससे किया, डेट से करा, और इनके पास 4000 करोड़ का इन्होंने डेट उठाया। और हमने क्रेडिट रिपोर्ट्स में देखा था इन्होंने अराउंड 3000 करोड़ का डेट भी उठाया था, तो जो टोटल डेट इनफ्लो था इनका 4000 करोड़ का था राइट। सो दिस वॉज द केपेक्स, कंपनी कहाँ का कर रही है। मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू गिव यू द मेन मेन पॉइंट्स कि आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना राइट, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी सारी चीजें देख ली ठीक है। और ठीक है मतलब स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने डेली स्पोर्ट्स ड्रिंक ठीक है। अभी विवेक जी क्वेश्चन कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो एन एनालिस्ट, मूविंग स्टिंग शुड टेपर ऑफ, स्टिंग के बारे में बात हुई है राइट। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी कॉन कॉल में जाते हो यही सब बातें आप बार बार देखोगे कि एनालिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि सर आपको प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हाउ आर द प्रोडक्ट्स गोइंग टू परफॉर्म, आपका मार्केट एनालिसिस कैसा है, कंपटीशन कैसा है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर सेम इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन कॉल्स राइट। मैं आपको एक कॉन कॉल और दिखाता हूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एक छोटी कॉन कॉल होनी चाहिए, लेट्स सी क्या क्या रहेंगे, पिछली बार देख चुके थे हम, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेडरल बैंक चलते हैं, फेडरल बैंक ही सर, बट वंस अगेन कोई वो नहीं है। तो अगर जब यहाँ पे भी आप देखोगे आपको भी सेम ही ऑलमोस्ट मिलेंगे राइट। वंस अगेन आप हर चीज का जो पूरा देखोगे यही है कि कंपनी गाइडेंस देती है और चीज और जो एनालिस्ट होते हैं वो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं राइट। देर शुड बी मार्जिन एक्सपेंशन, देखिए वंस अगेन यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की बात हुई है, दैट देर शुड बी मार्जिन एक्सपेंशन दैट विल कम थ्रू बिकॉज ऑफ टेल एंड ऑफ द रेट इंक्रीज राइट। सो वंस अगेन यहाँ पे आपको गाइडेंस मिली हुई है राइट। सो हर किसी का सेम ही ऑलमोस्ट, लेकिन अब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, उसके लिए आपको बिजनेस समझना जरूरी है। और आप बिजनेस कैसे समझोगे, जब आप किस सीरीज को पूरा देखोगे राइट। सो वंस अगेन बात वही आ जाती है कि इफ यू हैवन सब्सक्राइब, ओहो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रीलोड इट, या वंस अगेन मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब करा हो और आप चाहो तो इस कॉन कॉल को पूरा पढ़ सकते हो। मैं इस कॉन कॉल को यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर आप कॉन कॉल नहीं पढ़ते आपको बिजनेस की इनसाइट्स नहीं मिलेंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो वंस अगेन यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे, और मैंने आपको कॉन कॉल पढ़ना सिखा दिया है कि आपको क्या क्या देखना है और कितनी कॉन कॉल पढ़नी है। पिछले मिनिमम टू मिनिमम देखना कि पिछले 4 क्वार्टर की कॉन कॉल आप पढ़ो राइट। सो दिस वॉज माई मेन पॉइंट राइट, गॉट माई पॉइंट, एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज वो भी कर। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।